भारतीय सरसक्रेन परंपरागत रीते जड़ प्लावित विस्तारों वेटलैंड में मानवीय साथ रहे आ पक्षी खोराक तथा प्रजनन माटे कृषि विस्तार उपयोग करे वेटलैंड की घटती जती संख्या अने वर्तमान वसाहतों विनाश ने कारण सारस की संख्या घटी रही हो कहेवामां आवे छे। यूपीएल सारस संरक्षण प्रोजेक्ट हेठ खेडूतों ने शिक्षण आपी अने तेमनी स्वैच्छिक भागीदारी द्वारा सारस प्रत्ये जागृति फैलाववामां आवे छे। आ प्रोजेक्ट की सकारात्मक असर जोवा मळी रही छे। 2015-16 में सरस की वस्ती 500 थी जे वधीने 2021-22 में 992 थी गई। सातमा वर्ष में प्रवेशेला आ प्रोजेक्टे 40 गामों में 88 ग्रामीण सारक संरक्षण ग्रुपनु नेटवर्क उभु कर्युं छे। तेना द्वारा 23,000 विद्यार्थियों ने 5,000 थी वधु खेडूतोने सारस संरक्षण अंगे शिक्षित करवामां आव्या छे। खेडूतोनी साथे साथे संकळायेली कंपनी होवाथी यूपीएल खेडूतोने फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी एफवीसी नी रचना करी अने तेमनी उपजना सारा भाव अपावीने वैविध्यकरण में साथ आपीने तेमनी मदद करी रही छे। हम लोगों ने लगभग 6 साल पहले ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया था इस एरिया में, जिसका नाम है यूपीएल सारस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आप लोग सब जानते ही होंगे कि सारस हमारा अपना लोकल यहाँ का पक्षी है जो कंटिन्यूसली डिक्लाइन में था। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तब इसकी गिनती लगभग 550 की थी। अब 6 साल की हमारी मेहनत के काम के बाद में जो लेटेस्ट सेंसस है उसके हिसाब से 992 पक्षी अभी है हमारे एरिया में। और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा 4-5 चीज़ों को। एक तो जो कंटिन्यूस साइंटिफिक मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है प्रोजेक्ट में, कि हर रूट में जाके मॉनिटर करना कि प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे किस एरिया में कितने पक्षी हैं। दूसरा, लोक भागीदारी जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी होती है, लोक भागीदारी जहाँ पे किसानों के साथ में, बहनों के साथ में, माताओं के साथ में, बच्चों के साथ में, स्कूल टीचर्स के साथ में। और तीसरा है कि जो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना है, जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट आज इस स्टेज में है जहाँ पे सपने मिलके एक ऐसा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया है जहाँ पे हम 550 से 992 पहुंचे हैं 6 साल में। पालनपुरની હવે પરીખ ફાઇન આર્ટ્સ કોલેજ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ જિલ્લા કક્ષાનો ચિત્રકળા મહોત્સવ યોજાયો, જેમાં 1600 સ્પર્ધકોએ